मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र में बीते 3 नवंबर को हुई कोचिंग संचालक की हत्या में उसकी पत्नी एवं 2 अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि कोचिंग संचालक की पत्नी की एक युवक से नजदीकियां थी। दरौला के साकोती निवास सोनू गुर्जर मवाना में कोचिंग का संचालन करता था। बीते 3 नवंबर को सवार होकर कोचिंग के लिए जा रहा था। रास्ते में फलावदा थाना क्षेत्र के गांव पिलौना के समीप बाइक सवार 3 हमलावरों ने सोनू पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। पीड़ित परिजनों ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस घटना के खुलासे के लिए फलावदा पुलिस ने कोचिंग संचालक की पत्नी नेहा की कॉल डिटेल खंगाली। इसमें सामने आया कि उसके धनचू गांव निवासी शुभम से संबंध है, उसने ही दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की है। पुलिस का कहना है कि नेहा की मिलीभगत से शुभम ने अपने गांव के ही रोहित व दलजीत के साथ वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शुभम, दलजीत एवं नेहा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि सोनू की पत्नी नेहा का धुंज निवासी शुभम से सितंबर 2009 से परिचय था। शुभम ने कहा वह अपने पति को छोड़ दे, नहीं तो उसकी हत्या कर देगा। वही सोनू को पत्नी के संबंध के बारे में शक होने लगा था। इसको लेकर दोनों में कई बार विवाद हुआ है। इस पर नेहा ने बीते 2 नवंबर को शुभम को सोनू की हत्या करने के लिए भेजा था। शुभम अपने साथियों के साथ सोनू को तलाशता रहा, परंतु वह नहीं मिला। अगले दिन 3 नवंबर को नेहा ने व्हाट्सएप कॉल करके शुभम को सोनू की पहचान एवं बाइक का नंबर बताया था। बीते रविवार को एसओजी व फलावदा पुलिस नेदुंज गांव में शुभम को दबोच लिया। हालांकि परिजनों ने पुलिस अभद्रता व हाथापाई कर उसे छुड़ा लिया था। इसके बाद कई थानों की फोर्स ने गांव पहुंचकर आरोपी की तलाश की। पुलिस का दबाव पड़ने पर परिजनों ने उसे देर रात सुपुर्द कर दिया। हालांकि पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में भी आरोपी शुभम के पिता मुनीश, ताऊ सूरज, चाचा नरेश एवं तहेरे भाई सिपाही नीटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वही आरोपी रोहित की तलाश में दबिश जारी है। थाना फलावदा में दिनांक 3 नवंबर 2020 को कोचिंग संचालक सोनू नाम के व्यक्ति की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का सफल अनावरण करते हुए पुलिस टीम द्वारा हत्या में शामिल मृतक की पत्नी व उसके अन्य 2 साथियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, एक लाल स्प्लेंडर, एक बुलेट भी बरामद कर ली गई है। घटना में शामिल इनका एक अन्य साथी अभी फरार चल रहा है, जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।